24 घंटे में दो हमलों के बाद रूस में सरगर्मी है। यूक्रेन को गंभीर सबक सिखा सकता है रूस। ब्रांस्क हमले की रूस ने पूरी जानकारी दी है। हमलों को लेकर पुतिन पश्चिम पर है आग बबूला। वेस्ट कंट्रीज पर एक बार फिर से पुतिन का गुस्सा भड़का हुआ है। तो आप देखिए, एक तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो युद्ध है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी इलाकों की बात करें तो वहां पर और भी भीषण हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूस की तरफ से। हालांकि यूक्रेन भी जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन का जो जवाब है तमाम मदद के बावजूद नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो रूस है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पहले ब्रांस्क में और अब कोलमना। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है वॉर जोन में। बीते 24 घंटे के अंदर हुआ क्या है रूस में? दो बड़े अटैक हुए, दो बड़ी घटनाएं हुई है। आप देखिए, रूस के ब्रांस्क में अगर हम बात करें तो यहाँ पर घुसपैठ हुई है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। फायरिंग हुई है मॉस्को के पास, बिल्कुल पास कोलोनमा में बड़ा धमाका हुआ है। तो ये दो बहुत बड़ी घटनाएं, यानी जो हमने आपको बताया कि एक तरफ वॉर जोन यूक्रेन की बात की है, यहां पर बड़े हमले हो रहे हैं और ये दो बड़ी घटनाएं सामने आ जाना। अब ब्रांस्क में क्या हुआ ये आप जानिए। कुछ यूक्रेनी हथियारबंद सैनिकों ने घुसपैठ की है, ये इस बात का दावा किया जा रहा है, और साथ ही यूक्रेनियंस ने सिविलियंस पर भी हमले किए। ये रूस के ब्रांस्क में क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसमें एक बच्चा भी घायल हुआ, यानी कि आप समझिए कि ये बड़ा हमला था। यूक्रेनियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया, कुछ लोगों पर हमला किया है। रूस ने हमले को टेररिस्ट अटैक कहा है, यानी जो सवाल था कि अब रूस क्या करेगा, यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने वापस खदेड़ दिया। और क्या हुआ आप देखिए, घुसपैठ ये काफी हथियार और विस्फोटक भी छोड़कर गए, यानी कि और भी बड़े हमले की फिराक में थे, योजना बहुत बड़ी थी। मेरा सवाल आपसे है द्विवेदी सर कि जिस तरह से ब्रांस्क हो या फिर मॉस्को के ठीक पास 24 घंटे के अंदर इन दो बड़े हमलों को अंजाम देना, हालांकि आपने कहा कि कन्वेंशनल हथियार नहीं, लेकिन सब कन्वेंशनल हथियार के जरिए मॉस्को के पास हमले को अंजाम दिया, लेकिन ब्रांस्क के पास आप देखिए, यहां तो यूक्रेनियों को लेकर कहा जा रहा है कि घुसपैठ की हथियार थे, विस्फोटक थे, बड़े हमले की फिराक में थे। देखो, ये जो युद्ध है ये दोनों तरफ से लड़ा जाएगा, कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल। सब कन्वेंशनल में टेररिज्म आ जाते हैं या कोवर्ट ऑपरेशन आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं बहुत छोटी सी ताकत के साथ। जैसे छोटी सी टुकड़ी गई, उन्होंने जाके फायरिंग की, तो इसमें एक बहुत दहशत फैलती है। तो कहने का मतलब यह है कि युद्ध जो है कभी कन्वेंशनल होगा, सब कन्वेंशनल होगा, इसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर चलेगा। फ्रीडम ऐप से सीख कर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।